नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा जारी गुलाबी, नारंगी, नीले और कत्थई रंग के नए नोट इस काबिल नहीं है कि उन्हें ज्यादा दिन तक चलाया जा सके। नतीजतन बैंकों ने इन नोटों को नॉन इश्यूएबल कैटेगरी यानी जारी न करने योग्य वाली श्रेणी में डालकर आरबीआई को वापस करना शुरू कर दिया है। पहले खबर आई है कि मार्च 2019 तक देश के आधे एटीएम बंद करने पड़ सकते हैं, और जब खबर सामने आ रही है कि जितने भी नए नोट चलन में आए थे वो इतने खराब हो गए हैं कि उन्हें दो बार से ज्यादा एटीएम में डालना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में बैंक इन खराब नोटों को आरबीआई को वापस भेज रहे हैं। इससे साफ होता है कि ऐसे में आरबीआई को नए नोट छापने पड़ सकते हैं, और अगर इन नोटों को छापने और समय रहते बैंकों को पहुंचाने में तालमेल नहीं बैठा तो बैंक अपने ग्राहकों को सीमित नकदी देने का फैसला ले सकते हैं। नतीजतन बैंकों में कतारें लगेंगी और नोटबंदी के दिनों जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। देश को पैसे पैसे के लिए मोहताज कर एक झटके में 86% नकदी बदलकर मोदी सरकार ने जो नए नोट जारी किए थे वो इस काबिल नहीं रह गए हैं कि उन्हें चलन में रखा जाए। 2000 रुपये के नोट से लेकर 10 रुपये तक के नोट का कागज इतना खराब साबित हुआ है कि जारी होने के 2 साल के भीतर ही बैंक ने इन्हें लेने और चलन लायक न मानते हुए आरबीआई को वापस करना शुरू कर दिया है। इन सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने पुराने 1000 और 500 के नोट गैर कानूनी घोषित कर दिए थे। इसी जगह 2000 का गुलाबी और 500 रुपये का ग्रे ग्रीन, 200 का नारंगी और 100 का नीला नोट जारी किया था, लेकिन अब ये सारे नोट धीरे धीरे चलन से बाहर होने लगे हैं। ऐसे हालात ऐसी है कि इस साल जनवरी में जारी कत्थई रंग का 10 रुपये का नोट भी चलन से बाहर होने लगा है। इस खबर में प्रकाशित खबर में एक बड़े सरकारी बैंक ने आला अफसर के हवाले से बताया गया है कि जितने भी नए नोट उर्जित पटेल के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं उनकी क्वालिटी बेहद खराब और जल्द ही खराब होने लगते हैं। इस अफसर का कहना है कि नोट खराब होने के बाद इन्हें एटीएम में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि सेंसर खराब नोटों को गिनने में गलती कर देता है। इस अफसर ने खराब अखबार को बताया कि जितने भी नए नोट आए हैं उन्हें अब दो बार से ज़्यादा एटीएम में नहीं डाला जा रहा है। खबर अखबार ने एक और बैंक अधिकारी के हवाले से कहा है कि जब ये नोट जारी हुए थे तो इन्हें नॉन इश्यूएबल कैटेगरी में डालने पर पाबंदी थी, यानी आरबीआई की बैंकों को साफ हिदायत दी थी कि नोटों को चलन से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब इन नोटों को हालत ऐसी रह गई है कि वे इस्तेमाल हो सकें तो आरबीआई ने जुलाई 2018 में बैंकों के बदलाव सामने इन नोटों को नॉन इश्यूएबल कैटेगरी में डालने की इजाज़त दे दी। इतना ही नहीं, आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे बैंक शाखाओं में पुराने और कटे फटे नोट बदलने की व्यवस्था शुरू करें, साथ ही पुराने नोटों को करेंसी चेस्ट में भेजने की इजाज़त भी दे दी है। आरबीआई ने 2 जुलाई 2018 को जारी अपने सेकुलर बैंकों को कहा कि देश भर में बैंकों की सभी शाखाएं ग्राहकों को नए अच्छी गुणवत्ता के नोट मुहैया कराएं, पुराने कटे पटे नोट बदले और अगर कोई ग्राहक सिक्के लेकर आता है तो उसे भी स्वीकार करें। इसके अलावा आरबीआई ने खराब पुराने नोटों की परिभाषा को विस्तारित किया। इसमें अब ऐसे नोट भी शामिल किए जा रहे हैं जो अधिक इस्तेमाल के चलते गंदे हो गए हैं। मामूली तौर पर कटे फटे गए नोट या गलती से टुकड़े हो गए हैं। बैंकों का कहना है कि 2000 और 500 रुपए के नए नोट इतनी जल्दी नहीं खराब होते जितनी जल्दी 10 रुपए के नोट हो रहे हैं। इतना ध्यान रहे कि जब नए नोट जारी किए गए थे तो सरकार ने दावा किया था कि इन नोटों का न सिर्फ कागज अधिक गुणवत्ता का है बल्कि इसमें सिक्योरिटी फीचर भी पहले से कहीं अधिक